मानव तस्करी निरोधक इकाई पलवल की टीम ने 7 माह पहले घर से लापता हुई दिमागी रूप से परेशान 42 वर्षीय महिला को उसके परिवार से मिलवाने में सफलता प्राप्त की है। 7 माह पहले महिला की अपने पति से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद वह घर से निकल गई थी और वह पिछले 7 माह से राजस्थान के जिला भरतपुर स्थित आश्रम में रह रही थी। मानव तस्करी निरोधक इकाई टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर संजय सिंह भड़ाना ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य अपराध शाखा के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सीमा से लगते हुए सभी बाल गृह और आश्रमों का दौरा किया जाए, जिससे कि गुमशुदा बच्चों और लोगों के परिवार को तलाशने की मुहिम तेज की जा सके। इसी कड़ी में उनकी टीम ने राजस्थान के जिला भरतपुर स्थित आश्रम में संपर्क किया, जहां से सूचना मिली थी कि एक 42 वर्षीय महिला जो कि दिमागी रूप से परेशान है, वह अपना नाम बुसरा और अपने आप को हतीन के गांव मलाई की रहने वाली बता रही है। जिसके बाद टीम ने गांव मलाई के सरपंच और समाज सेवी के पास महिला का फोटो भेज उसके परिवार की पहचान करने के प्रयास किए और समाज सेवी ने महिला का फोटो गांव मलाई के रहने वाले शाहिद को दिखाया, जिसने बताया कि यह उसकी बहन बुसरा है। शाहिद ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बहन बुसरा की शादी नूह जिले के पंचगांव में की थी। दान दहेज में उन्होंने बकरियां दी थी, जिन्हें उसके पति ने 7 माह पहले बेच दिया था। इसी बात को लेकर उसकी बहन बुसरा की अपने पति के साथ कहासुनी हो गई और वह गुस्से में वहां से गांव मलाई के लिए निकल गई, लेकिन दिमागी रूप से परेशान होने के कारण वह गांव मलाई का रास्ता भूल गई और तभी से वह लापता है, जिसकी लापता की रिपोर्ट भी उन्होंने तावुर थाने में दर्ज करा रखी है। संजय सिंह भड़ाना ने बताया कि महिला को एक समाज सेवी द्वारा राजस्थान के जिला भरतपुर स्थित आश्रम में भिजवा दिया था और तभी से यह आश्रम में रह रही थी, जिसे आज कागजी कार्रवाई के बाद उसके परिजनों से मिलवा दिया गया है। वो लापता हुई जी 11/9/2022 में, तो उसमें जी हमने काफ़ी ढूंढी और उसकी FIR भी तावड़ू में करा रखी थी, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बावजूद हमें कहीं पे कोई कैसा सुराग ना मिला। लेकिन अभी हमें आज से 10 ही दिन पहले पता चला क्राइम ब्रांच पलोल से, और क्राइम ब्रांच पलोल ने जब हमें बताया कि आपकी बहन वहाँ पे है, तो हम क्राइम ब्रांच पलोल आए और उन्होंने हमें पूरी सूचना दी, और सूचना देने के बाद हम क्राइम ब्रांच पलवल के साथ में वहाँ गए भरतपुर, तो वहाँ पे एक आश्रम बना हुआ है। आश्रम में जाने के बाद वहाँ पे हम अपनी बहन को अपने साथ ले गए, और वहाँ से आने के बाद क्राइम ब्रांच पलवल वालों का हम बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। ससुराल से निकलने का कारण क्या रहा है? उसके ससुराल से जी वह दहेज में हमारे पापा ने उसको बकरी दी थी, उसके 4-5 बच्चे थे, तो वो जो उसका जो हमारी बहन का पति है वो कमाता था है नहीं, और उसने वो बेच दिए, तो उसमें आपस में रेंजिस हो गई, रेंजिस के कारण वो घर से निकल गई। हाँ जी माई के आ रही थी, लेकिन उसको का नाम है बस में या फिर गलत बैठ गई या फिर कोई और कोई दिक्कत हुई, तो उस वजह से भटक गई। अच्छा हमें अपने सूत्रों से खबर मिली थी, एक महिला है जिसकी कमर उम्र जो है 40-42 साल के लगभग है, वो अनाथ आश्रम में भरतपुर रह रही है, तो हमने उस सूचना पाकर वहाँ आश्रम में बात करी, इनसे कॉन्फ्रेंस में बात करी, तो थोड़ी मंद बुद्धि है, बातचीत करने स्पष्ट एड्रेस नहीं बता रही, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से भाषा से लगा हमें बात की है, तो हमने जो हतीन साइड और उटावर साइड इनका फ़ोटो भेजा, तो हमें पता लगा कि ये मलाई गांव से है, इसका मायका है मलाई गांव, ये मिसिंग हो रही है, तो इसने जो परिवार वालों ने इनके भाई ने ये अपनी पुलिस कंप्लेंट भी करा रखी है, जो मुकदमा दर्ज है तावड़ू थाने में। तो वहाँ के समाज से भी एक जोरुद्दीन है, जब गांव के सरपंच से बात करी मलाई के से, तो उन्होंने फ़ोटो देख के कहा है हाँ हमारे गाँव की बेटी है, तो उन्होंने परिवार तक पहुँचाया, तो इनके भाई से बात हुई, इनके भाई ने बताया शाहिद ने कि भाई जो हमारी बहन काफ़ी दिन से निकल गई थी, नवंबर के महीने से हमने काफ़ी तलाश करी है, हमें मिल नहीं रही, तो इस तरह हम इनके परिवार तक पहुँचे। कारण ज़्यादा नहीं ये बता रही है, तो अभी थोड़ा सा उसमें ही है मंजूर, लेकिन इसके परिवार बता रहा है कि भाई जो है इसकी शादी पचगाम में करा थी इन मलाई वालों ने, तो इसका जो पति कुछ काम नहीं करता, उनकी थोड़ी आपस में बनती नहीं है, तो उन्होंने कोई दहेज में बकरी वगैरह दी थी, बकरी तो उन्होंने सेल कर दी।
इस बात पे नाराज थी, तो आना चाह रही तो अपने घर, लेकिन रास्ता भटक गई, उस वजह से अपना फिर किसी समाज सेवी ने इसको आश्रम में छोड़ दिया, वहाँ से हमारे पास से को लगभग लगभग अभी काफ़ी बच्चों को डाटा तो मेरे उसमें ही है, अभी फीड है कंप्यूटर में, लेकिन लगभग 90 बच्चों महिला हैं और उसमें जेंट्स भी आ गए, लगभग लगभग इतने मिलवा चुके हैं। हमारी मुहिम ये, हमारे जो अफसर हैं उच्च अधिकारी हैं उनके मुहिम ये है कि जितने भी लापता हैं उनके परिवार से ज़्यादा से ज़्यादा मिलवाए जाएं, ताकि परिवार जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर कृष्णनगर मथुरा, निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अपर क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अति अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्विलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल कृष्णनगर मथुरा।